हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विथ माय न्यू वीडियो। मैंने अर्लियर वीडियो में जैसा कि कहा था, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कैसे और कब पता चला कि मुझे सीकेडी है। अर्लियर वीडियो में मैंने सिम्टम्स ऑफ सीकेडी मेंशन किए हैं, तो उनमें से कुछ सिम्टम्स मुझे भी थे, जैसे कि मुझे था ड्राई स्किन, एचिंग, रैशेस, बहुत जल्दी थक जाना, लो स्टेमिना। थर्ड वॉज यूरिन प्रॉब्लम। यूरिन प्रॉब्लम मुझे होती थी, मैं कितनी बार वॉशरूम जा रही हूँ वो इंक्रीज़ हो गया था, और नॉट ऑलवेज समटाइम्स मुझे प्रेशर देना पड़ता था वाइल यूरिनेटिंग। ये कुछ सिम्टम्स थे जो मुझे भी थे। जो लास्ट सिम्टम था जिससे मुझे पता चला कि मुझे सीकेडी है, वो था स्वेलिंग। ये स्वेलिंग कैसे आई? एक्चुअली आई एम एन एस्मा पेशेंट, तो मुझे एक दिन एक एस्मा अटैक आया, उसके बाद मुझे चेस्ट पेन होने लगा, सीवियर चेस्ट पेन था। सो मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिकेशन दी अलॉन्ग विथ सम पेन किलर्स। तो उस समय मुझे नहीं पता था कि मुझे सीकेडी है, तो वो पेन किलर्स ने डायरेक्ट असर किया मेरी किडनी पे, और अचानक से मेरी पूरी बॉडी स्वेलिंग करना स्टार्ट कर दी। जैसे कि मैंने वीडियो में मेंशन किया था, मुझे भी स्वेलिंग स्टार्ट हुई फीट से, फिर एंकल, फिर धीरे धीरे होल बॉडी स्वेलअप होने लगी, फेस एंड ऑल सब स्वेलअप होने लगा। मेरा वेट 48 से 52 विद इन अ वीक जंप कर गया था ड्यू टू स्वेलिंग। ये स्वेलिंग कैसे आती है? स्वेलिंग आती है वाटर रिटेंशन से, जैसे कि मेरी किडनी ने फिल्ट्रेशन रेट कम कर दिया, फंक्शन करना स्लो कर दिया, तो मेरी बॉडी ने वाटर होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। वाटर होल्ड करने से स्वेलिंग होती है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। ये स्वेलिंग हम पता कैसे करते हैं? हम आप अपने राइट या लेफ्ट लेग के एंकल पे इस तरीके से हल्का सा स्लाइड प्रेशर देंगे। अगर यहाँ पे गड्ढा रह जा रहा है तो इसका मतलब आपको स्वेलिंग है। अगर ये उभर जा रहा है, वापस ऊपर आ जा रहा है, इसका मतलब आपको स्वेलिंग नहीं है। पर अगर ये गड्ढा रह जा रहा है या कुछ टाइम लग रहा है वापस ऊपर आने में, तो भी आपको स्वेलिंग है। हमेशा स्वेलिंग अपने एंकल पे ही चेक कीजिएगा, ये यहाँ पे आपको करेक्ट पता चलता है आपका स्वेलिंग का। फिर ये स्वेलिंग की वजह से फिर मैंने ब्लड टेस्ट कराए। किडनी के लिए टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड। ब्लड टेस्ट में हम KFT दैट इज किडनी फंक्शन टेस्ट और RFT के नाम से कराते हैं, जिसमें आता है क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, क्रिएटिनिन क्या होता है? एक्चुअली एक कंपाउंड होता है क्रिएटिन, जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, जिसको कहते हैं क्रिएटिनिन। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी किडनी फिल्टर करती है और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से हम पास आउट कर देते हैं। अगर किडनी स्लो वर्क कर रही है या वर्क नहीं कर रही है, तो वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में ही इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन का लेवल हमारे रिपोर्ट में, ब्लड में बढ़ जाता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का क्रिएटिनिन का लेवल होता है 0 to 1.5 अप्रॉक्सीमेटली। अगर उससे इंक्रीज्ड हुआ है आपका क्रिएटिनिन लेवल या बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपको किडनी प्रॉब्लम है, या तो अक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है, सेकेंड जो टेस्ट मैंने आपको बताया था, हाँ, ब्लड टेस्ट में जो मैंने अदर बताए थे बर्न, वो सब भी इंक्रीज हो जाता है अपनी नॉर्मल रेंज से। सेकेंड टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में दो बातें होती हैं, दोनों ही वजहों से हमारा किडनी फंक्शन स्लो हो जाता है, फिल्ट्रेशन रेट लो हो जाती है। एक होता है किडनी श्रिंक कर जाती है, किडनी की साइज़ छोटी हो जाती है, जो कि मेरे केस में हुआ था। मेरी किडनी की साइज़ 6.5 हो गई थी। नॉर्मल किडनी 10 टू 13 सेंटीमीटर की होती है, मेरा बोथ किडनी 6.5 हो गया था। मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% में, हमेशा आपकी दोनों किडनी पे ही असर आता है, एक्सेप्शंस आर देयर। सेकेंड जो केस मैंने बताया था एनलार्ज, उसमें आपकी किडनी भी स्वेलअप हो जाती है, किडनी की मेम्ब्रेन फूल जाती है और आपकी किडनी का साइज बड़ा हो जाता है। तो दोनों ही केसेस में फिल्ट्रेशन रेट लो हो जाता है और आपको किडनी प्रॉब्लम होती है। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे टैकल किया इस सिचुएशन में, मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए ड्यूरिंग दिस CKD थिंग। तो तब तक स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी।